बिल्कुल, तो किसान सही कर रहा है या सरकार सही कर रहा है? देखो, सरकार भी सही कर रहा है, एग्जाम्पल किसान भी सही कर रहा है, लेकिन जो ये बीच में जो किसान के बीच में जो आतंक फैला रहे हैं, अब देखो कई इंटरव्यू में कह रहे हो कि खालिस्तानी बना देंगे हम, हैं, हमें खोल दो, हमें पाकिस्तान से मिल जाने दो, तो इसका मेन मुद्दा क्या है? राजनीति भी हो रहा है इसका? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आपका कहना मतलब आंदोलन नहीं है यहाँ, राजनीति हो रहा है? राजनीति हो रहा है, मतलब इलेक्शन के टाइम पे इन सबको याद आया है। अब चलो, इनकी कहने का ये मतलब है कि इलेक्शन पे जल्दी हमारी मांग पूरी होगी, हमारी इलेक्शन पे जल्दी मांग पूरी होगी, तब कल को तो और कोई भी मुद्दा लेके कोई खड़ा हो जाएगा, हमारा मस्जिद है, हमारा ये मंदिर है, कोई भी खड़ा हो जाएगा ऐसे, तो ये इनका कहना है कि हमारी सबसे ज्यादा मतलब जनता 20% आम लोग हैं, 80% किसान है, तो अपनी सरकार खड़ी कर लो तुम, ऐसी बात है अपनी, तुम एक आदमी खड़े हो जाओ, हैं, तुम्हें किसान वोट देंगे, तुम खड़ी करके अपना सारा चीज मांग पूरी करवा लो, आम जनता तो परेशान हो रही है ना। पार होगा बीजेपी 365 और एनडीए 400 पार, मतलब एनडीए मिलाकर 400 पार हो जाएगा। यहीं पर देख लो इनको, भाई साहब को इतना समस्या है, इसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसान आंदोलन पे बैठा है, आप कह रहे हैं पड़ने वाला नहीं है, मोदी पे कुछ नहीं हो फर्क पड़ेगा इसमें। हाँ जी, पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा यहाँ से जो किसान गए थे लाल किला पर तिरंगा उतार के झंडा वगैरह पूरा लगा दिए थे, बहुत उपद्रव हुआ था, तो हो सकता है इसके लिए जो है पहले से व्यवस्थाएं की जा रही है। बैठे थे ना जनता की, तो उसको परमिशन, आम जनता के बारे में तो सोचनी चाहिए कि वो क्या कर रही है क्या नहीं। अब हमारा स्कूल है, जैसे हमें ही दिल्ली जानी है, हम यहाँ कुंडली से दिल्ली जाते पढ़ने, अब हमारी स्कूल की बस नहीं आ पा रही, हम तो 4 दिन से घर पे बैठे हुए हैं, हमारी पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं, हमारी कुछ नहीं, आम पब्लिक मतलब ये जो जॉब पे आ रही है दिल्ली से, जो हरियाणा में जॉब करने आ रही है, उनको परेशानी नहीं हो रही, उनको अपने घर का रेंट नहीं देना है, वो मिडिल क्लास जो बंदे वो क्या करेंगे, अब ये बताओ आप, वो वहाँ से निकलेंगे, जब तक एक रास्ता तो छोड़ना चाहिए कि इंसान जा सके दिल्ली, हैं, चलो ठीक है करना चाहिए। अब इनका कहना है कि हमारी सबसे ज़्यादा मतलब जनता 20% आम लोग हैं, 80% किसान है, तो अपनी सरकार खड़ी कर लो तुम, ऐसी बात है अपनी, तुम एक आदमी खड़े हो जाओ, हैं, तुम्हें किसान वोट देंगे, तुम खड़ी करके अपना सारा चीज मांग पूरी करवा लो, आम जनता तो परेशान हो रही है ना। बिल्कुल, तो किसान सही कर रहा है या सरकार सही कर रहा है? देखो, सरकार भी सही कर रहा है, एग्जाम्पल किसान भी सही कर रहा है, लेकिन जो ये बीच में जो किसान के बीच में जो आतंक फैला रहे हैं, अब देखो कई इंटरव्यू में कह रहे हो कि खालिस्तानी बना देंगे हम, हैं, हमें खोल दो, हमें पाकिस्तान से मिल जाने दो, तो इसका मेन मुद्दा क्या है? राजनीति भी हो रहा है इसका? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक, कौन कर रहा है राजनीति? आप जानते ही, अब हम कैमरे पे तो कह नहीं सकते, ठीक है, हम तो आम जनता जानती है कौन करना चाहता है ये। अच्छा। ठीक है, बीच में ये खालिस्तानी का हुआ था, बाहर देश में भी हुआ था। अच्छा, तो ये आपका कहना मतलब आंदोलन नहीं है यहाँ, राजनीति हो रहा है? राजनीति हो रहा है, मतलब इलेक्शन के टाइम पे इन सबको याद आया है। अब चलो, इनकी कहने का ये मतलब है कि इलेक्शन पे जल्दी हमारी मांग पूरी होगी, हमारी इलेक्शन पे जल्दी मांग पूरी होगी, तब कल को तो और कोई भी मुद्दा लेके कोई खड़ा हो जाएगा, हमारा मस्जिद है, हमारा ये मंदिर है, कोई भी खड़ा हो जाएगा ऐसे, तो हैं, ये देखना चाहिए आम इंसान को कि चलो भाई उनका भी कुछ काम धाम है, अब तुम ये मांग पूरी होने के बाद दूसरा कोई भी खड़ा हो जाएगा कि भाई हमारी ये मस्जिद बनाओ, सरकार सबकी मांग पूरी करते रहेगी। राहुल गांधी तो कह तो रहे हैं कि हमें सरकार में लाओ, हमें सत्ता में लाओ, हम सीधी बात है वो आगे सरकार में है भाई, ये इंडिया नहीं रहेगा, ये इंडिया नहीं रहेगा, छोटा पाकिस्तान बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जब उनकी सरकार थी, जब उनकी सरकार थी आपने देखा ही होगा क्या हालत थी भारत की, अब ये जब मोदी सरकार आई है जब देख सकते हो अब कितनी मतलब बदलाव हुई है, बहुत बदलाव हुई है, अब दोबारा आ गई तो भैया जी ये पक्का छोटा पाकिस्तान। मोदी सरकार को तो लेकर कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद में उलझा रखे हैं, युवा बेरोजगार है, राहुल गांधी कहते हैं ये राजनीति और कुछ नहीं। ठीक है, अब उनका कहना है कि हम आएंगे तो हम आपको बेरोजगार नहीं रहने देंगे, हैं, वो कुछ लिखत दे रहे हैं कि हम बेरोजगार नहीं रहने देंगे, कोई सरकार लिखत नहीं दे सकती कि बेरोजगार रहेगा कि नहीं रहेगा, हैं, पहले लिखत देनी चाहिए इन लोगों को। अब कहने का ये मतलब है कि मंदिर पे इन सब चीज़ों पे उन सब पे टारगेट तो तुम बार बार मंदिर को कर रहे हो, इस बार कुछ भी हुआ तो हिंदू वाले जो भी पब्लिक है हिंदू है वो नहीं छोड़ेगी, इस बार वो नहीं रहने देगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हीरा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ नरेला में रहता हूँ। अच्छा, क्या लगता है इतना सब तैयारी हो गया है और किसान का प्रोटेस्ट जो है चालू है, लोकल जो व्यवस्थाएं हैं क्या कहेंगे इन सब चीज़ों में? ये सब चीज़ एक तो राजनीति के हिसाब से गलत है, और चाहे वो कोई भी मजहब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सिख, हमारा कहने का मतलब है कि लोग गरीब से गरीब हो जा रहे हैं, जो 10,000 वाले कमाने वाले वो 2,000 महीना कमा रहे हैं, अब हालात एक दूसरे के पास आएगा तो कैसे चलेगा, ये हालात बदलने के लिए हमें खुद बदलना होगा। अच्छा, चुनाव नज़दीक है,
प्रधानमंत्री जी जो है इस बार कह रहे हैं कि 400 पार लेकर आएंगे, 400 पार सीटें, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, किन के बातों से सहमत हैं? हम तो दोनों के बराबरी की बातों में सहमत है, क्योंकि ये देखिए ये ला रखी है रोज़गार, ये सामने है, ये बंद होने से यहाँ का रास्ता बंद नहीं होगा। गांधी है बस की कुछ नहीं, लेकिन हमारा हरियाणा का जो पूर्व सीएम था हुड्डा साहब, वे बहुत अच्छे थे, उन्होंने काम भी कराया, उनमें भ्रष्टाचार भी नहीं है, और अपने ये नहीं है कि भेदभाव करते हिंदू मुस्लिम करते, वो सही है, लेकिन केंद्र में उनकी राजनीति कुछ है नहीं। हिंदू जैसे मैटर बार बार उछलता रहा है हिंदू मुस्लिम वाला, क्या लगता है आपको, ऐसा कभी फील होता है जैसे आपने कहा? आप देखिए ये तो पहले, इससे पहले जो बात चलती थी आज तक कभी ऐसा हिंदू मुसलमान नहीं, एक ही जगह खाना पीना, एक ही जगह रहना और एक ही जगह भाईचारा सबका एक जैसा था, आज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज एक दूसरे पे इंसान आरोप डाल देते हैं, बड़े बड़े नेता छोटी सी चीज़ में बड़ी चिंगारी डाल देते हैं। बड़े बड़े नेता, अगर मोदी जी की बात की जाए तो वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, समान अधिकार, योजनाओं का लाभ सबको बराबर मिलेगा। मोदी जी बोलते हैं अपनी जगह ठीक है, राहुल गांधी जी बोलते हैं अपनी जगह ठीक है, यहाँ तो बेचारे गरीब आदमी बिहार से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं, बंगाल से आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, सब मार खा जाते हैं। अच्छा। तो इसमें गरीबी तो मार खा रहा है, अमीर थोड़ी ना खाएगा। जो 10,000 रुपया महीना कमाने वाला है वो घर में बैठ के खाएगा, और जो 50-60 हज़ार रुपया महीना कमाने वाला है वो सड़कों पे थोड़ी ना घूमेगा। अच्छा। वो तो 24 का चुनाव नज़दीक है, 400 पार हो पाएगा बीजेपी का? ये तो सबका अपने अपने भाग्य का किस्मत है, जो बदले है ना बदले, बाकी विधान तो ये अपने अपने ऊपर बात आती है इन लोग की कि क्या करना है क्या नहीं करना। पार होगा बीजेपी 365 और एनडीए 400 पार हो, मतलब एनडीए मिलाकर 400 पार हो जाएगा। यहीं पर देख लो इनको, भाई साहब को इतना समस्या है, इसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसान आंदोलन पे बैठा है, आप कह रहे हैं फर्क पड़ने वाला नहीं है, मोदी पे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इसमें? हाँ जी, कह रहे हैं कि अभी भाई साहब ने कहा कि जैसे हिंदू मुस्लिम का तुष्टिकरण का आरोप लगता रहा है बीजेपी पर, हमेशा धर्म से जोड़कर राजनीति करने का आरोप है, तो उन्होंने काम किया, धर्म का काम किया बीजेपी ने, तो काम करेगी अपना। अच्छा। हाँ जी, जो उन्होंने मंदिर बनवाया है सब कुछ कराया है, तो वोट भी उसी का होगा ना। बिल्कुल, एक समुदाय प्रताड़ना का शिकार हो रहा है, कोई परेशान नहीं, परेशान नहीं है इसमें सब। आप ही ने अभी कहा कि भाईचारा था पहले, अब भाईचारा खत्म है, साथ में बैठ के खाते थे लोगों ने। बीच में हर चीज हो जाता है, पोल सिटी है, कुछ भी कर सकते हैं कोई, है कि नहीं? हालात आते हैं, बड़े बड़े भी आ रहे हैं, छोटे छोटे भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें गरीबी मार खा रही है। आप कॉलोनी में जाके देखिए, एक से एक जगह यहाँ बैठने से कुछ नहीं होता है। राजनीति का हिसाब किताब है ना, लोगों के सामने जाके उनाता है। कहते हैं मोदी जी इस बार 400 पार होगा, बिल्कुल 400 पार होगा। हाँ जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हैं, और वो कह रहे हैं कि नफरत फैला दिया गया है, मोहब्बत की दुकान खोलना, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, खाली बकवासबाजी है, ओनली मोदी बीजेपी पूरे भारत में। पहले राहुल गांधी को शादी करनी चाहिए, मैच्योर हो, उसके बाद बातें करें अच्छी वाली, तो ये बच्चों वाली बातें करोगे? लिखे नेता है राहुल गांधी, आप कह रहे हैं पहले पढ़े लिखे होने के साथ कड़ा हुआ भी होना चाहिए, समझ गए ना? काम कर्म करने से ही, कर्म ही पूजा होती है, बोलने से कुछ नहीं होता, तो उनको पहले प्रॉपर होना पड़ेगा, उनको अच्छे से समझ बूझ रखनी पड़ेगी शादी वादी। पुरानी पार्टी है कांग्रेस, इतनी पुरानी पार्टी है, लोग कहते हैं सत्ता पक्ष वाले की 70 सालों से राज किए हैं, उसी का अगुवाई कर रहे हैं राहुल गांधी, इसीलिए वो पीछे है, क्योंकि पारिवारिक पार्टी बना के रख दिया। और किसी को दो, और किसी को कहो भाई प्रधानमंत्री इसको बनाएंगे, कांग्रेस में बहुत नेता है, अच्छे भी नेता है, लेकिन उनको आगे आने नहीं दिया जाता।